नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों आपका फ़ोन जो है सो समय के साथ स्लो होता जाता है। तो इसका मेन रीज़न है कि आप अपने फ़ोन को जो है सो एडवांस बनाते हैं, हार्डवेयर के हिसाब से नहीं बना पाते, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमेशा एडवांस बनाते रहते हैं उसको। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपडेट्स, आप अपने फ़ोन को जो है सो अपडेट करते रहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फ़ोन अपडेट हो गया, और ऐप्स अपडेट हो गया, या फिर कोई जो है सो इसी के तरह फ़ोन के अंदर का अंदर जो है सो कुछ भी अपडेट अगर आप करते हैं तो एक तरीके से फ़ोन पे जो है सो लोड आता है। क्योंकि अगर कोई आप ऐप अपडेट करते हैं तो ऐप जो है सो ऐप कंपनी अपने ऐप को जो है सो समय के साथ एडवांस बनाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब जो है फ़ोन जो है सो समय के साथ एडवांस हो रहा है तो क्यों ना उन्हें भी जो है सो अपने ऐप को जो है सो थोड़ा और एडवांस बनाना चाहिए। इसलिए वो जो है सो उसमें और ज़्यादा भारी बना देती है ऐप को, इसलिए जो है सो आपके फ़ोन पे और ज़्यादा लोड आ जाता है। और लोड आ जाता है तो चूंकि आपका फ़ोन जो है सो मतलब समय के साथ एडवांस नहीं हो पाता है, वो वही रहता है, तो जो है सो आपका जो है सो फ़ोन स्लो पड़ जाता है। और ऐसे करके जो है सो आपका फ़ोन कभी कभी हैंग भी करना शुरू कर देता है, और तब आपको पता चलता है कि सही में आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। और नेक्स्ट रीज़न है आपके मतलब फ़ोन के स्लो होने का, वो है हार्डवेयर डिग्रेड। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमेशा, क्योंकि अब दूसरे के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो है सो फ़ोन का हार्डवेयर जो है सो समय के साथ डिग्रेड होता है। जैसे कि उसका रैम स्लो हो जाता है समय के साथ, रोम स्लो हो जाता है, रीड एंड राइट स्पीड स्लो हो जाता है रैम का और रोम का, उसके बाद उसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है समय के साथ, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जबकि जो है सो उसमें दिखाता है आपके, अगर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से देखिएगा फ़ोन में, तो दिखाएगा कि मतलब जो है सो हार्डवेयर या फिर जो है सो आपका प्रोसेसर जो है सो फुल्ली रन कर रहा है, फुल्ली क्लॉकवाइज जो है सो एकदम जहाँ पे रन करना चाहिए, जितने स्पीड जितने क्लॉक हर्ट्ज पे जो है सो इसको रन करना चाहिए वो वहीं पे रन कर रहा है, लेकिन जो है सो हार्डवेयर जो है सो उसका स्लो हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अब ये सही है या नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार क्या कहते हैं बहुत सारे फ़ोनों को देखा है, मतलब एक्सपीरियंस किया है इस बात को, और इसलिए हमको लगता है कि हमेशा हार्डवेयर कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है समय के साथ। जैसे और जो है सो उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है उसका कि कब जो है सो बैटरी का डिग्रेड होना समय के साथ जो है सो होता है कि बैटरी का जो है सो बैटरी डिग्रेड होता है। मतलब कहने का मतलब कि बैटरी जो है सो अगर आपका जब नया खरीदिएगा 2 घंटा चल रहा था, तो जो है सो पुराना हो जाने के बाद जो है सो 1.5 घंटा ही चलेगा। एक साल पुराना, 2 साल पुराना हो जाने के बाद 1.5 घंटा चलेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया पुराना तो 1 घंटा ही चलेगा। तो ये जो है सो डिग्रेड हो जाता है 85 से 75% के आसपास जो है सो डिग्रेड हो जाता है, कभी कभी 50% तक हो सकता है डिग्रेड, ये बहुत। तो इसी वजह से जो होता है, और जैसे जैसे डिग्रेड होता है बैटरी का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है सो बैटरी हीटअप होने लगता है, बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, और हीट जितना ज़्यादा हीट होता है वो फ़ोन को हीट करता है, और फ़ोन को हीट करता है तो प्रोसेसर को लगता है भाई ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा गर्मी है, और अगर हम और ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे तो जो है सो फ़ोन का बुरा हाल हो जाएगा। तो जो है सो फ़ोन प्रोसेसर जो है सो लो जो है सो मतलब उतना उच्च क्षमता से नहीं रन करता है जिस क्षमता से रन करना चाहिए, और वो स्लो हो जाता है, मतलब कम क्षमता से रन करता है, पूरा पावर यूज़ नहीं करता है, जिसके कारण जो है सो मतलब जो है सो आपका हैंग करने लगता है सॉफ्टवेयर, और आपको लैगिंग नज़र आएगा आपके मतलब जैसे फ़ोन के अंदर। तो यही सब बेसिक जो है सो रीज़न है। अब इसका मेन अब मतलब बात आ जाता है कि बचाव कैसे करें। तो बचाव का सबसे आसान तरीका है कि मतलब अपने एक और बात बताना चाहते थे कि मतलब अगर आप जो है सो बहुत ज़्यादा ऐप डालिएगा अपने क्या कहते हैं फ़ोन में, तो ये भी एक रीज़न है जो है सो लैगिंग का। क्योंकि जितना ज़्यादा ऐप ऐप डालते जाइएगा तो जो है सो वो उतना जो है मतलब उस पर फ़ोन पे लोड पड़ता जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऐप अपना जो है सो कुछ ना कुछ रिसोर्स यूज करता है फ़ोन का, और जो हैवी ऐप्स होते हैं वो तो और ज़्यादा यूज करता है। तो जो है सो जितना ज़्यादा हैवी ऐप डालिएगा, जितना ज़्यादा कोई भी ऐप डालिएगा, तो कहीं ना कहीं यूज करेगा ये प्रोसेसर, तो जो है सो आपका फ़ोन जो है सो बहुत ज़्यादा स्लो होते जाएगा धीरे धीरे। तो ये भी एक रीज़न था। अब आ जाता है बचाव पे। तो बचाव का यही रीज़न है कि मतलब आप जो है सो उतना ही ऐप डालिए जितना आपका ज़रूरी है। अगर ब्लॉटवेयर है तो हो सके तो हटा लीजिए ब्लॉटवेयर, यानी कहने का ब्लॉटवेयर उसको कहते हैं जो कि आपके फ़ोन में पहले से आया रहता है ऐप्स, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते, और वो जो है सो बकवास ऐप होता है, उसी को ब्लॉटवेयर बोलते हैं। तो ब्लॉटवेयर हटा लीजिए। अगर आप रूट कर सकते हैं, फ़ोन को रूट करना आता है तो रूट कर सकते हैं, तो फ़ोन को रूट करके हटा लीजिए, या फिर जो है सो अगर ब्लॉटवेयर नहीं हटा सकते तो जो ऐप हट सकता है और जो अनयूज मतलब जो कि यूज़ करने का नहीं है और उसको हटा लीजिए, या फिर जो है सो अननेसेसरी ऐप को जो है इंस्टॉल ही ना कीजिए।
और जितना ऐप जरूरी है उतना ही रखिए, और ऐप को तभी अपडेट कीजिए जब आपका जो है सो सिक्योरिटी फ्लॉज नज़र आए, क्योंकि ऐप अपडेट करना जो है सो भी जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी ऐप अपडेट आते रहते हैं। जितना ज़्यादा सिक्योरिटी अपडेट होगा उसी हिसाब से जो है सो फ़ोन को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपडेट नहीं कीजिएगा तो जो है सो अगर आपके फ़ोन में अगर जो है सो कोई सेंध भी घुसा सकता है। तो ये तो हो गया कि हो सकता है आपका डाटा लीक हो जाए, ऐसे करके कुछ जो है सो फ्लॉज आ जाते हैं वैसे अगर अपडेट नहीं करते हैं तो। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कहीं ना कहीं कि आप कोई लाट साहब थोड़ी ना है, आपका अगर आपके फ़ोन में कोई डाटा नहीं है, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो आपको उसका भी चिंता नहीं करना, आप पूरे सीधे ऐप ही नहीं अपडेट करना है उसके समझ गए ना मेरा मतलब कहने का मतलब। अगर आपके ऐप में सॉरी आपके फ़ोन में कुछ ऐसा है नहीं जिससे कोई खतरा हो, जो लीक करने के बाद जो है सो कोई खतरा हो आपको, तो आप अपडेट ही ना कीजिए, आप सिक्योरिटी अपडेट भी अपडेट ना कीजिए, आप वहीं से उसी से काम चलाइए, आपका काम चलता रहेगा। और जो है और अगर आप मतलब अगर आपको लगता है आपके अथि में डाटा है, जैसे कि सिक्योर डाटा है, जैसे कि एटीएम पिन वगैरह सब है, तो जो है सो आप जो है सो ऐप को जो है सो टाइमली जो है सो अपडेट कर सकते हैं, वरना अपडेट ही ना कीजिए। और अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपडेट ना करें। जैसे कि अगर आपका जो है आपको लग रहा है कि मतलब जो है सो आपके अंदर जो है सो फ़ोन के अंदर जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट है तभी अपडेट कीजिए, वरना उसको अपडेट ही ना कीजिए, छोड़ दीजिए उसको वैसे ही। और फ़ोन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना कीजिए, मतलब छेड़छाड़ करने का मतलब ये नहीं कि इधर उधर कर रहे हैं, वो नहीं करने का मतलब कि कोई ऐप ज़्यादा मत डालिए जो है सो, कोई ऐप अपडेट मत कीजिए, इस तरीके का छेड़छाड़ अगर आप नहीं करेंगे तो फ़ोन आपका वह स्मूथली चलेगा। वैसे तो हार्डवेयर तो जो है समय के साथ डिग्रेड होगा ही, बैटरी डिग्रेड होगा ही, लेकिन ऐसे जो है सो आपका फ़ोन लंबे समय तक चलेगा, यही एक रीज़न है, मतलब यही एक तरीका है सॉरी यही एक तरीका है जिससे कि आपका फ़ोन जो है सो लंबे समय तक चल सकता है, कि फ़ोन में जो है जितना कम अपडेट कीजिएगा, जितना कम ऐप डालिएगा, जितना ज़रूरी हो उतना ही ऐप जो है सो इंस्टॉल कीजिएगा, तो आपका फ़ोन जो है सो लंबे समय तक बिना हैंग किए ही चलेगा। इसके अलावा और कोई रीज़न हमको पता नहीं है, अगर पता होगा तो हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे जो है सो बहुत हेल्प मिलता है हम लोगों को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कहने का मतलब समझ गए होंगे आप, और शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो को अगर कर सकते हैं तो। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके दोस्तों को पता होना चाहिए, तो आप शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।